अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन आम आदमी पार्टी विधायकों ने भाजपा पर 2500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए तख्तियां और बैनर दिखाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा शासित नगर निगमों में 2500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए इसे राष्ट्रमंडल खेल घोटाले से भी बड़ा बताया। दिल्ली विधानसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इमारतों के लिए आवश्यक अनुमति देते समय नगर निगमों में हर साल 5000 से 10000 करोड़ रुपए के घोटाले होते हैं। उन्होंने कहा, ये बेहद दुखद दिन है क्योंकि हम एमसीडी में हुए सबसे बड़े घोटाले की बात कर रहे हैं। 2500 करोड़ रुपए का घोटाला राष्ट्रमंडल खेल घोटाले से भी बड़ा है। यहाँ तक कि सड़कों पर भी लोग एमसीडी में भ्रष्टाचार की बात करते हैं और वहीं लोग दिल्ली सरकार के ईमानदार होने की बात भी करते हैं।